हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन नोमैड। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर छोटी सी ट्रिप दुबई में आते हो, लाइक 3 दिन के लिए आते हो, तो आप क्या क्या देख सकते हो 3 दिन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप दुबई में 3 दिन में क्या क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंडिया से सुबह को निकलते हो और दुबई पहुँचते हो अराउंड 2-3 बजे। तो अगर उस दिन में डे ज़ीरो पकड़ा, तो उस दिन में आप क्या कर सकते हो कि आप होटल में आके थोड़ा फ्रेश अप हो लीजिए और उसके बाद आप डायरेक्टली चले आइए बुर्ज खलीफा पे। बुर्ज खलीफा और वाटर दुबई की वाटर फाउंटेन अपोजिट एंड्स पे है, एक ही जगह पे है। तो इसलिए आप पहले बुर्ज खलीफा में आ जाइए और बुर्ज खलीफा के जो ऑब्जर्वेशन देखिए ऊपर चले जाइए देखने के लिए, जहाँ से आपको मतलब पूरे दुबई के अस्टाउंडिंग व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको टिकट खरीदने पड़ेंगे, आप यहाँ पे आके भी टिकट खरीद सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि टिकट आप पहले ऑनलाइन खरीद लीजिए, या आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हो, या आप book.com से खरीद सकते हो। ऐसे खरीद के आप पहले दुबई का जो बुर्ज खलीफा है वो आप देख के आइए और उसके बाद आप इमीडिएटली दुबई का जो वाटर फाउंटेन है वो देखिए। दुबई का वाटर फाउंटेन एवरी हाफ एन आवर में आपको शो दिखाते रहते हैं, तो इसलिए आपको मिस नहीं होगी। एवरी हाफ एन आवर आपको मिलेंगे दुबई फाउंटेन के शोज, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद ये दो चीज़ करने के बाद, बुर्ज खलीफा के टॉप देखने के बाद और वाटर फाउंटेन देखने के बाद, आप उस दिन इमीडिएटली एक डिनर क्रूज़ के लिए चले जाइए, जो ढाउ क्रूज़ बोलते हैं। आइदर आप ढाउ में भी ले सकते हो या दूसरा कुछ लग्जरी यॉट क्रूज़ में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सब सारी चीज़ आप पहले ही बुक करके आइए। ये आप क्रूज़ करने के लिए आपको मरीना बे एरिया में जाने पड़ेंगे, वो थोड़ा दूर है वो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पर रहते हो ऑब्वियसली। तो इसलिए पहला दिन जो है दो डे ज़ीरो, उस दिन आप बुर्ज खलीफा की ऑब्जर्वेशन डेस्क देखिए, नंबर 2 जो दुबई फाउंटेन है वो देखिए, और नंबर 3 मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके एक क्रूज़ कर लीजिए। तो ये 3 दिन चीज़ आप एक ही हफ्ते में आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो आप जो पहला दिन आपको फुल डे मिलेगा वो डे 1 में पकड़ता हूँ। डे 1 में क्या करोगे आप एक अबू धाबी टूर ले लीजिए। अबू धाबी टूर लेने के लिए आप पूरा दिन फुल डे अबू धाबी टूर मिलते हैं, अराउंड 3000 रुपीज़ में आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो आप एक ले लीजिए, वो अच्छा होगा आपके लिए। वो लेने से आपको वहाँ पे पहले आपको बहुत बहुत जगह, मतलब दुबई से जब आप अबू धाबी जाओगे बहुत सारे चीज़ दिखा के जाएंगे, गाइड्स भी बहुत अच्छा है और ड्राइवर्स भी बहुत अच्छा है। तो आपको वहाँ पे पहले ले जाएंगे फरारी वर्ल्ड अबू धाबी के फोटोशूट स्टॉप करने के लिए, क्योंकि अगर फरारी वर्ल्ड अबू धाबी देखते हो आपको एक दिन फुल लग जाएंगे तो आपको टाइम नहीं होगा। तो इसलिए आप जस्ट अबू धाबी फरारी वर्ल्ड का एड्रेस पे जाइए, फोटोशूट्स कीजिए, उसके बाद आप ग्रैंड मॉस्क पे आ सकते हो। ग्रैंड मॉस्क भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रैंड मॉस्क पे आने के लिए आपको अच्छा मतलब कपड़ा पहन के जाने पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट्स पहनते हो तभी चलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको चेंज करने पड़ेंगे कुछ, इसलिए आप बेहतर है कि आप घर से या होटल से जहाँ पे हो आप फुल्ली क्लोथ पहन के जाइए, फुल शर्ट्स और फुल स्लीव्स। और आपको कुछ फोटो सेशंस दिखाएंगे, लाइक जो एतिहाद के टावर है वहाँ तक ले जाएंगे आपको फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, और आपको और बहुत सारे मतलब वहाँ पे एक मॉल है, मॉल में ले जाएंगे और ऐसे फुल डे टूर मतलब चले जाएंगे। सुबह को आपको 9 या 10 बजे तक पिकअप करेंगे और शाम को आते आते आपको 9-10 बज जाएंगे, तो फुल डे टूर आपको चले जाएंगे। इट्स वेल वर्थ द प्राइस, अराउंड 3000 रुपीज़ देंगे, लेकिन वहाँ पे लंच इंक्लूडेड नहीं है, लंच आपको खुद को करने पड़ेंगे पैसा लेके। लेकिन मॉल में आपको जब ड्रॉप कर देंगे उन लोग बहुत सारे वहाँ पे खाने के लिए इटरीज है, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे अच्छे से खा सकते हो और आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा। तो डे 0 हो गया आपका, डे 1 हो गया। तो सेकेंड डे जो है उस पर आप क्या करोगे, उस पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक हाफ डे दुबई सिटी टूर ले लीजिए, जिसपे आपका इंक्लूडेड होगा, जैसे आप ओल्ड दुबई जो है उसको जो सुक से मतलब गोल्ड सुक है आपका, फिर स्पाइस सुक है उस पर ले जाएंगे, दुबई फ्रेम पे ले जाएंगे, और उसके बाद जो अटलांटिस होटल है वहाँ पे आपको मतलब फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज आप ले पाएंगे वहाँ पे ले जाएंगे, और आपका और बहुत सारे मतलब जो दुबई के जो चीज़ है मतलब आसपास में आप बुर्ज अल अरब की फ़ोटो अपॉर्चुनिटी कर पाएंगे। तो इसलिए आप वो बुक कर लीजिए, वो भी आप ऑनलाइन के बुक कर सकते हैं, वो डिपेंड करके आप कौन सा टूर अप्लाई करते हो, 2500 से लेकर 3500 रुपये रख के आपका उसके पैसे लेंगे। तो वो आपका सेकेंड डे जो है डे 2, उसका आप फर्स्ट हाफ पे कर लीजिए, हाफ डे सिटी टूर ऑफ दुबई। और जो सेकेंड हाफ आपको मिलेगा उसमें आप डेजर्ट सफारी कर लीजिए, डेजर्ट सफारी भी आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम वाला डेजर्ट सफारी कीजिए, जो आपका थोड़ा जो बुफे काउंटर है बुफे काउंटर थोड़ा कम होगा, नहीं तो बहुत मतलब भीड़ होगा, इसलिए आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 500-600 का डिफरेंस है पर पर्सन। तो आप प्रीमियम वाला डेजर्ट सफारी कर लीजिए, अराउंड आपको 3000 रुपीज़ में पड़ेगा, वो उसका इंक्लूडेड रहेगा,
पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम द होटल, और उसके बाद वहाँ पे आपको डेजर्ट सफारी कराएंगे, और उसके बाद सैंड ब्लास्टिंग करेंगे, सैंड बोर्डिंग करेंगे, और वहाँ डांस दिखाएंगे और फायर डांस दिखाएंगे, और उसके बाद डिनर भी, बारबेक्यू डिनर भी आपका इंक्लूडेड रहेगा हर चीज़। तो ये जो दुबई डेजर्ट सफारी है, इट्स वेल वर्थ द मनी एट 3000 रुपीज़। ये आप ऑनलाइन ही खरीद लीजिए पहले से, क्योंकि 3-4 दिन पहले खरीद के रखिए, क्योंकि लास्ट दिन आपको टिकट नहीं भी मिल सकते। इसलिए जो आप ये सब मतलब अट्रैक्शन देखते हो, एटलीस्ट 3-4 दिन पहले आप खरीद के रखिए ऑनलाइन, तो इसलिए ये बेहतर होगा। तो सेकेंड डे आपका हो गया, और थर्ड डे आप क्या करते हो? अगर ऑब्वियसली कुछ आपको शॉपिंग भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ किसी आप मॉल में चले जाइए। मॉल यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो मेन मॉल से वो दुबई मॉल है, दुबई मॉल वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल है इन टर्म्स ऑफ एरिया, उस पर आप जा सकते हो। नहीं तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स पे जा सकते हो, नहीं तो इबन बटूटा मॉल बोल के उस पर जा सकते हो, दुबई मरीना मॉल है, मॉल यहाँ पे भरपूर है, डियरा सिटी सेंटर है, आप मतलब कितना मॉल जाओगे। इसलिए मैं बोलूँ कि आप दुबई मॉल में आ जाइए, वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल है, नहीं तो मॉल ऑफ द एमिरेट्स, नहीं तो इबन बटूटा। इबन बटूटा एक स्पेशल टाइप का मॉल है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप का मतलब वर्ल्ड का डिफरेंट थीम टाइप का कुछ है, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ गर्मी रहेगा, तो इसलिए आप मॉल के अंदर ही आप शॉपिंग कीजिए, जो भी है आप करके ख़त्म कर लीजिए, लंच वहीं पे कर लीजिए। और जो सेकेंड हाफ में आप कीजिए कि एक ग्लोबल विलेज है यहाँ पे, तो ग्लोबल विलेज में आ जाइए। ग्लोबल विलेज खुलते हैं शाम को 4 बजे से लेके मिडनाइट तक खुलते हैं, तो आप ग्लोबल विलेज में आ जाइए। टिकट आप ऑनलाइन कर लीजिए, टिकट बहुत सस्ती है, ज़रा नहीं है, 300 रुपया है, मतलब 15 दिनों में, एक्चुअली 15 दिनों का मतलब 300 रुपया अप्रॉक्सीमेटली है। उस पर आप डायरेक्टली जाके ग्लोबल विलेज में भी खरीद सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, तो आपका मर्जी, वो डायरेक्टली आप खरीदते हो या जैसे खरीदते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ही खरीद लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और इस पर आपका पिकअप ड्रॉप इंक्लूडेड नहीं, आपको खुद जाने पड़ेंगे ग्लोबल विलेज तक। ग्लोबल विलेज का जो बस है ना, वो आपका मॉल ऑफ द एमिरेट्स से जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहला आप स्टार्टिंग में उस दिन दुबई मॉल में शॉपिंग कीजिए थोड़ा। दुबई मॉल के बाद एक उस पर ही मेट्रो है दुबई मॉल में, दुबई मॉल से आप मॉल ऑफ द एमिरेट्स चले जाइए। मॉल ऑफ द एमिरेट्स में थोड़ा बहुत आप शॉपिंग कीजिए और लंच वंच खा लीजिए। और जो मॉल ऑफ द एमिरेट्स के बस स्टॉप है, बस स्टॉप से वहाँ पे शायद मैं रूट नंबर भूल गया, एक्चुअली 106 था मेरे ख्याल से, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। तो उस मतलब बस से आप डायरेक्टली ग्लोबल विलेज तक जा सकते हो, और ग्लोबल विलेज का जो बस है ये एवरी हाफ एन आवर मतलब जाते रहते हैं ये मॉल ऑफ द एमिरेट्स से, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। आप उस दिन ग्लोबल विलेज जाइए, और ग्लोबल विलेज में आप 5-6 घंटा जाइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड का थीम पार्क जैसा है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको जाके। और वो देखने के बाद आप वापस आ जाइए, और लास्ट डे आपको ऑब्वियसली रिटर्न आना पड़ेगा। तो 3 दिन मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, 3 दिन में आप दुबई कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि आपका बहुत चीज़ और बाकी रह गया। लाइक आप एडवेंचर स्पोर्ट्स अगर आपको करना अच्छा लगता है, तो वो आपका मिस हो जाएंगे, और बाकी अगर आप दूसरा कुछ मतलब और बहुत सारे करने के लिए, आप मतलब दुबई में मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप 7-8 दिन तक आइए, क्योंकि 3-5 दिन जो नॉर्मली हम लोग आते हैं ना, वो मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम आपको चला जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको, इतना ह्यूज एरिया सब चीज़ देखने के लिए आपको। फिर मिरेकल गार्डन भी एक है, वो तो देखा ही नहीं आपने, तो टाइम ही नहीं मिला आपको। तो इसलिए आप जितना हो सके मतलब मैं सजेस्ट करूँ एटलीस्ट 5-7 दिन जाइए, और अगर आप 10-15 दिन आ सकते हो वो और अच्छा होगा आपके लिए, वो आप पे वो डिपेंड करेगा। लेकिन 3 दिन मत आइए, लेकिन मैं बहुत जन को देखा, मेरा फ्रेंड्स को भी देखा, वो दुबई 3-4 दिन के लिए आते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो में 3 दिन का आइटिनरी बता रहा हूँ, और मैं बाकी वीडियोस में 5-7 दिन का आइटिनरी उसको भी बताऊँगा। तो ये वीडियो जो है मैं 3 दिन का आइटिनरी में बता दिया आपको, फिर से रिपीट करता हूँ, जिस दिन आप दुबई में आओगे वो डे 0 पकड़ो, उसको डे 1 मत पकड़े, क्योंकि ऑलरेडी मोर देन हाफ डे आपको चला जाएगा। उस दिन आप आके होटल में रेस्ट लेने के बाद आप बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेस्क पे चले जाइए। आप मेरे पीछे अभी बुर्ज खलीफा देख सकते हो, ये जो पीछे है मेरा वो बुर्ज खलीफा मैं दिखा रहा हूँ, मैं बुर्ज खलीफा के नीचे ही हूँ अभी। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की हाइट की है। ये देखने के मतलब मज़ा आता है, मतलब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, और रात को ये क्या शोर है, मज़ा आता है मतलब। तो ये बुर्ज खलीफा, तो पहला जो मैं आपको बताया उस दिन आके आप बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेस्क में आ जाइए, और वहाँ पे देख लीजिए, और दुबई फाउंटेन ऑपोजिट में ही है, दुबई फाउंटेन देख लीजिए। और उसके बाद ये दो होने के बाद आप डायरेक्टली चले जाइए देखने के लिए ढाउ क्रूज, जो डिनर है आपका क्रूज डिनर, आप मेरीना बे में चले जाइए और कर लीजिए, वो डे 0 का आपका काम हो गया। और डे 1 में जो मैं बताया, आप अबू धाबी का एक टूर ले लीजिए, फुल डे आपका चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फुल डे होने के बाद आप बहुत मतलब टायर्ड हो जाओगे, 10-11 बजे जा सकते हैं। तो उस दिन आपका जो डे 1 आपका रियल डे 1 है, वो आपका फुल डे चले जाएंगे। और जो डे 2 है, मैंने जो आपको बताया, सुबह को आप हाफ डे सिटी टूर ले लीजिए, सिटी टूर लेके आप पूरा हाफ डे आपको चला जाएगा इस टाइम में। और सेकंड हाफ में जो है आप डेजर्ट सफारी रखिए, मैं सोचा डेजर्ट सफारी रख लीजिए। तो डेजर्ट सफारी का भी आपका पिकअप अराउंड 3-4 बजे 2-3 बजे पकड़ेंगे, और आपका रिटर्न होते होते 10-11 बज जाएंगे, तो उस दिन भी आपका डे 2 पूरा पैक्ड होंगे।
और जो डे थ्री है आपका, डे थ्री में जो मॉर्निंग को मैं आपको थोड़ा शॉपिंग भी करना पड़ेगा, तो सुबह को एक हाफ ले लीजिए, शॉपिंग कीजिए, आप दुबई मॉल में आइए और दुबई मॉल में आने के बाद मॉल ऑफ द एमिरेट्स चले जाइए, फिर वहाँ से मॉल ऑफ द एमिरेट्स से आप ग्लोबल विलेज चले जाइए। ग्लोबल विलेज 4 बजे खुलता है, मैंने जैसे पहले बताया आपको, तो ग्लोबल विलेज भी आप देख के आपका 3 दिन टूर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपको दुबई के 3 दिन के आइटिनरी बताया। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन के लिए प्लीज़ मत आइए। मैं यहाँ पे 10 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन 10 दिन में भी मैं कुछ कंप्लीट नहीं कर पाया, इतना ह्यूज है एरिया। एक मॉल में आने से आपका पूरा दिन बीत जाते हैं, और एक कुछ आप अट्रैक्शन देखोगे पूरा दिन बीत जाते हैं, इसलिए मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा आने के लिए। आप मतलब एंजॉय करने के लिए आइए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, 3 दिन मत आइए, होने से आप 1 वीक मिनिमम आइए। तो स्टिल मैं ये 3 दिन का आइटिनरी आपको बता दिया हूँ, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को अच्छा लगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं दुबई में और 3-4 दिन हूँ अभी, और बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा जरूर, एंड कीप सपोर्टिंग द इंडियन नोमैड, एंड टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू सून, पीस आउट, बाय।